हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माया बड़ी ठगनी है राजन, वो कई रूपों में मनुष्य को फंसा लेती है। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। अब यह अयोध्या आपकी है, मुझे, मेरे पुत्रों को, समस्त परिवार को अपना सेवक मानकर यहां रहने की कृपा कीजिए। राजन, आप हमारे चारों ओर अपने निश्चल प्रेम का सुंदर जाल फैला रहे हैं, जिससे हमारे मन में मोह की दुर्बलता आने लगी है। इसलिए यही समय है जब हमें ममता के इस बंधन को तोड़ देना चाहिए। जब एक कर्तव्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए तो मनुष्य अपने भावी कर्तव्य पथ पर आगे चल दे। थोड़ी देर भी यदि इस सफलता की ममता में फंस गया तो माया उसे पकड़ लेगी। ब्रह्म ऋषि, यदि आप भी माया से डरेंगे तो हम जैसे साधारण मनुष्यों का क्या होगा? आप तो वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने तपोबल से हमारे पूर्वज महाराज त्रिशंकु के लिए अंतरिक्ष में एक नया स्वर्ग निर्माण कर दिया था। हमारी महत्ता का बखान तो तुम कर रहे हो राजन, परंतु हमारे पतन के वो क्षण याद नहीं रहे जब मैनिका की आशक्ति के मोह जाल में फंसाकर इंद्र ने हमारे तपोबल को भी क्षीण कर दिया था। मेरी कहानी बड़ी शिक्षा प्रद है राजन। सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो एक ही भूल से उसकी सहस्रों वर्षों की तपस्या मोह के थोड़े ही क्षणों में नष्ट हो जाती है। वही हमारे साथ हुआ। जब मैनिका इंद्र की आज्ञा से हमें भरमाने पृथ्वी लोक पर आई, उस समय हम अपने तपोबल के तेज से दिव्यमान होकर पूर्ण सिद्ध हो चुके थे। उसी कारण हमारे अंदर बहुत अहंकार था कि हमसे बड़ा अब कोई नहीं। बड़े अहंकार को एक स्त्री के झूठे हाव भाव ने कुछ ही समय में चूर चूर कर दिया। हम सब कुछ समझते हुए भी नारी शरीर के मोह में फंस गए और उस एक ही क्षण में हमारे तप का सारा तेज क्षीण हो गया। माया बड़ी ठगनी है राजन, वो कई रूपों में मनुष्य को फंसा लेती है। जिस समय की बात तुम कर रहे हो उस समय माया ने हमारे अहंकार का रूप धर लिया था, यहां तक कि देवतुल्य महर्षि वशिष्ठ, देवता भी जिनकी वंदना करते हैं, उन पर भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की मूर्खता हम कर बैठे। परंतु इन क्षमा मूर्ति की अनुकंपा और दया से ही हम उस माया जाल से बच निकले।